वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के यजमान पद पर आज G20 अंतर्गत क्लाइमेट चेंज एंड रिडक्शन के तहत एक समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 60 देशों के 600 से भी अधिक प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लेते हुए अपने अलग अलग मंतव्य को पेश किया था। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के यजमान पद पर आज G20 के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिडक्शन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 62 देशों के 600 से भी अधिक प्रतिनिधित्व उपस्थित रहते हुए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण की थीम आधारित ध्यान केंद्रित किया था, जिसमें ध्यान केंद्रित करने के बीच अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आज एमएस यूनिवर्सिटी के यजमान पद पर किया गया, जिसमें भारत के G20 प्रेसिडेंसी को मनाने के तहत क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वे ऑफ लाइफ पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत सरकार के युवा मुद्दों पर मंत्रालय के सचिव मिता राजीव शोकी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वसुधैव कुटुंबम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के सूत्र पर आयोजित की गई है, जहां आने वाले सितंबर महीने में G20 की अलग अलग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके भागरूप आज Youth 20 शिखर बैठक में मुख्यमंत्री गृह मंत्री तथा अधिकतम विधायक गैर उपस्थित रहते हुए काफी चर्चा का विषय बना था, जहां कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का भी अपमान हुआ है। ऐसे में आज G20 के कंसल्टेशन के तहत आयोजित की गई क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन समिट के तहत 62 देशों के उपस्थित रहे वैसे अलग अलग देश के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में अपना मंतव्य पेश किया था, जहां वडोदरा शहर सहित भारत में यजमान पद पर G20 का इस वर्ष आयोजन किया गया है, जिस संदर्भ में आज वडोदरा में आगमन किए वैसे अधिकतम विदेशी यानी कि विदेश के अन्य प्रतिनिधियों ने भारत में तथा विशेष रूप से वडोदरा में आगमन करते हुए काफी खुशहाली को व्यक्त किया था। भारत देश के लोग तथा विशेष रूप से वडोदरा वासियों के लोगों की मिली उन्हें भावना के तहत उनके द्वारा खुशहाली व्यक्त की गई थी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण थीम आधारित आज उनके द्वारा ध्यान केंद्रित करने के साथ जलवायु को बचाने के लिए तथा वातावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, उस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जहां महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के यजमान पद पर आज मिली वैसी जलवायु परिवर्तन आपत्ति जोखिम में घटावा समतोल जीवन परिवार विषय के शिखर में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक चुनौती को निपटने के लिए युवाओं को नेतृत्व लेने के साथ एक सुर मत व्यक्त किया गया। विशेषज्ञ पर्यावरण कार्यकर्ता और यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि वैसे अर्चना सोरंगे ने इस शिखर बैठक में बताया था कि क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा असर जनजाति समुदाय को हो रही है। पर्यावरण के रक्षक वैसे जनजातीय समुदाय क्लाइमेट चेंज की असर के तहत आ चुके हैं। हर किसी को अपने इस प्रकार से आपत्ति की असर हो रही है और इसे सही वक्त पर जीवन बचाने की पद्धति में छोटे छोटे परिवर्तन लाने के साथ इसकी इस प्रकार की असर को कम किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के इस चुनौती को निपटने के लिए संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्बन फुटप्रिंट किस प्रकार से कम हो सके उसके भी कदम उठाने के लिए विचार पर अमलित किया जाएगा। प्रकृति की रचना के बारे में छोटे छोटे मुद्दों पर सामूहिक अमलीकरण से भी काफी बड़ी इसकी असर हो सकती है। जहां आज आयोजित किए गए ये क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन समिट के तहत यहां पर मौजूद वैसे हर एक महानुभाव ने अपने मंतव्य को पेश करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। I can say Indian culture is very unique where I come from. Like we can really see that it's really different, and I like it. It's good to know there's a culture, there's like a lot of process for everything, and I'm really happy to be here. You stay in Gujarat? Yes, I'm staying here. And when are you from? I'm from Madagascar. Okay. Thank you. What's good name? Lena. Yes. You're feeling in India? My name is Regan Negi Sapong. I'm from Ghana. Well, coming to India, I would say it's a nice move because there are some things in Africa which I find common here. When we talk about some of the plants, yes, some are similar, and then the culture, how they marry here, yes, the occasions, the ceremonies, it happens in Africa, and there are some foods which I also find common here, so it's like I'm in Africa. Yes. And Indian culture is like all India, all world is our family. Vasudev Kutumkam, what years you?
Yes, I what I have realized is that the Indian people, their relations with people is very good. Yes, and whenever you need help, if you go to the market, you want to buy something, and some people are not familiar, you get an Indian to come to your aid, explain things to the seller, and you are able to buy. Are you happy in India? Oh, well, I would say I'm happy. They are nice people, yes. Thank and they should continue to do it more. What's your good name? I'm Regan Sapong from Ghana. Yes. जमीनी स्तर पे जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण विषय को लेके इतना काम किया है. एक स्टूडेंट है स्नेहा शाही, जिन्होंने यहाँ के झीलों नदियों को साफ करने का काम किया है, वो भी आज मंच पे रहेंगी. और ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिन्हें इन विषयों का इंटरनेशनल डेलीगेट से बात करने का अवसर मिलेगा. इन विचारों के आदान प्रदान से गुजरात के राज्य में जो जलवायु परिवर्तन पे काम हुआ है उसको राष्ट्रीय मंच पे और अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी बताया जाएगा. धन्यवाद. पहला तो आपणी जे थीम ज छे वसुदेव कुटुंबकम, एमां एवुं लागी रह्युं छे के विश्व आपणुं एक परिवार छे. तो परिवार की भावना थी अपना अलग अलग देश में भाई बहनों आवी रहा है. एकदम सारी लागणी लागी रही है. आपणुं भारत देश नाम ऊँचू थी रह्युं छे. ज्यारे कोई भी विदेशी नागरिक आपणा देश में आवे छे, ए पोते सारूँ फील करे छे, तेनो मतलब छे के एना देश में जईने पण आपणी सारी वात करशे. तो एवुं लागी रह्युं छे के आपणा देशनी जे प्रगति छे ए सारा पंथे थई रही छे. कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो केवी रीते आपणुं आदान प्रदान थयुं छे? એટલે કલ્ચરલ કોઈક વાતચીત થઈ હોય? હા, એકચ્યુઅલી હમણાં એક ઇંગ્લિશ હતા, મને ખબર નથી એ કયા દેશના હતા, પણ એમને ખબર નહીં પડી રહી હતી કે અહીંયા કેવી રીતે છે. તો અમે ખાલી એમને એવું કીધું કે રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરાવવાનું છે. એમનું રજીસ્ટ્રેશન તો હતું જ અહીંયા આગળ, પણ આ ખાલી એ જ આદાન પ્રદાન થયું કે કેવી રીતે કરાવવાનું છે. પ્લસ તો અહીંયા તમામ લોકો જૈસા કે હમ સભી કો વિદિત હૈ कि हमारे भारतवर्ष के लिए ये गौरव की बात है कि इस साल भारतवर्ष G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है. उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स Y20 का आयोजन किया हुआ, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गुजरात राज्य में द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को इस कार्यक्रम के लिए चुना. ये चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये पूरी भारत देश की अनेकता में एकता को दर्शाता हुआ एक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग अनेक प्रकार से अपने भारत देश का की जो विशेषता है, खास करके ये कार्यक्रम गुजरात में हो रहा है और बड़ौदा में हो रहा है, तो हम लोग गुजरात और बड़ौदा की जो विशेषता है उसको दर्शा रहे हैं. आपको जैसा कि मालूम है कि बड़ौदा शहर बनियान ट्री के रूप में जाना जाता है, उसका नाम ही बड़ौदा इसीलिए पड़ा. इसलिए हमारा जो थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की दिशा में अगर देखें तो बड़ौदा में इतने सारे बरगद के पेड़ हैं और पूरा ग्रीनरी मेंटेन है. यहाँ का संस्कारी नगरी है, इसकी जो भी पर्यावरण है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हरियाली वाला पर्यावरण है. तो इस कार्यक्रम में हम लोग पूरे जो हमारे G20 कंट्रीज़ हैं उनके डेलीगेट्स, साथ में नॉन G20 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. लगभग 600 जैसे डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में, 62 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं. खास करके ये चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है हमारा युवा वर्ग है. हम लोग हमारे युवा वर्ग को किस प्रकार से केंद्र बिंदु में रख करके पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और ये डिजास्टर जैसे जो समस्याएं हैं, इनका किस प्रकार से हम लोग समाधान कर सकें, किस तरह से हम लोग युवाओं को इन्वॉल्व कर सकें, इसलिए इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सारे युवा वर्ग को, पूरे देश से, विदेश से बहुत सारे प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि युवा वर्ग की भूमिका रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और किसी भी देश का जो विकास है वो उसके रिसर्च पर, उससे उसके शोध पर डिपेंड करता है. इस चीज़ को दर्शाने के लिए भी हमारे जो युवा वर्ग हैं उन्होंने जो भी अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह, राज्य सरकार की जो SSIP 2.0 योजना है उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स को गुजरात राज्य सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की जाती है, उनका भी एक अच्छा प्रदर्शन है. उसमें किस हम लोग
क्लाइमेट चेंज की दिशा में किस तरह का संशोधन कर रहे हैं, किस तरह का अनुसंधान कर रहे हैं, वो सारा उन SSIP प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम की लाइव लिंक भी है, उसको आप सभी के साथ हमारे रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से हम लोग आपको साझा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आप लोग दिखाएं, जिससे गुजरात राज्य के सभी नागरिक, साथ में भारतवर्ष के नागरिक इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। धन्यवाद।